संभल में कांवड़ियों ने जमकर हंगामा काटा। कांवड़ियों का आरोप था कि उनके ऊपर घरों की छत से थूका गया और पथराव किया गया। इसके बाद कांवड़िए सड़क पर बैठ गए, जिसके बाद भाजपा नेता राजेश सिंघल कांवड़ियों के पास पहुंचे और उन्हें कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए मामला शांत कराया। वहीं एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कांवड़ियों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम सुभाष है सर, सुभाष यादव, रायपुर से रहने वाला हूँ सर। क्या सर इसका? सर हम अभी हाल रास्ते में चल के आ रहे थे तो यहाँ से करीब 250 मीटर पीछे गाड़ी खड़ी की थी, यहाँ के ही लोग डांस कर रहे थे इसलिए गाड़ी रोकी। तो फिर ऊपर से कुछ मुस्लिम लोग थे, थूक भी रहे थे और पत्थरबाजी भी कर रहे थे। हमारे 200 मीटर चल के सारी मेहनत थाना नखासा के अंतर्गत खरबूसराय मोहल्ले में आज एक कांवड़ियों का जत्था आ रहा था। शाम के 5:30 बजे की घटना है। इसमें से दो कांवड़ियों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनको ऐसा महसूस हुआ है कि वह छत पर से किसी के द्वारा पानी फेंका गया या थूका गया। तो उसके द्वारा पुलिस उस समय मौके पर ही मौजूद थी, उनके द्वारा समझा बुझाकर उनको आगे बढ़ाया गया। आगे भी उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में धारा 153A, 295, 336 में FIR पंजीकृत कर ली गई है। इनका जो कांवड़ियों का जत्था है वो अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान उसी समय कर चुका था। मौके पर शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम है, मौके पर कोई समस्या नहीं है।